दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम परमाणविक एवं आणविक भौतिकी में अवशोषण एक्सकिरण स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्स किरण स्तर की सूक्ष्म संरचना तथा एक्स किरण अवस्था का हाइड्रोजन के समान व्यवहार एवं अवशोषण एक्स किरण स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक्स किरण स्तर की सूक्ष्म संरचना तथा एक्स किरण अवस्था का हाइड्रोजन के समान व्यवहार। एल ऊर्जा स्तर का 3 उप ऊर्जा स्तर में विपाटन, एम ऊर्जा स्तर का 5 तथा इसी प्रकार एन ऊर्जा स्तर का 7 उप ऊर्जा स्तर में विपाटन एक्स किरण की सूक्ष्म संरचना कहलाता है। ऊर्जा स्तरों के विपाटन का मुख्य कारण एक ऊर्जा स्तर को दूसरे ऊर्जा स्तर से ढक देना है। यह हमारा नाभिक, इसके चारों तरफ ये एक ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो अगर हम इस ऊर्जा स्तर की बात करें तो ये ऊर्जा स्तर इस ऊर्जा स्तर द्वारा ढक लिया जाता है। तो इस ऊर्जा स्तर का अगर हम नाभिक के सापेक्ष आकर्षण ज्ञात करेंगे तो बीच में हमारा ये दूसरा ऊर्जा स्तर आएगा। यहां पर ये नाभिक, ये के ऊर्जा स्तर, ये एल और ये एम, यहां पर हमने 3 ऊर्जा स्तर दर्शाए हैं। चित्र से स्पष्ट है कि एल कोश के कोश द्वारा ढक दिया जाता है। तो ये जो एल कोश है इसको ये के कोश ढक देता है तथा के कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि यहां नाभिक में मिल गया है। तो ये दोनों मिलकर यहां पर इस अवस्था में नाभिक का निर्माण करेंगे और ये हमारा एल ऊर्जा स्तर है, ये एल कोश है। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि एल कोश के कोश द्वारा ढक दिया जाता है, इसलिए इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश 2 कम हो जाता है। नाभिक के समीप वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिकीय आवेश में कमी परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार एम कोश एल तथा के कोश द्वारा ढक दिया जाता है। तो अगर हम इस कोश की बात करें तो इस कोश को ये एल कोश और के कोश ढक देते हैं, इसलिए यहां पर इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार एम कोश एल तथा के कोश द्वारा ढक दिए जाते हैं या परिरक्षित किए जाते हैं। अब यदि हम निकाय की ऊर्जा की बात करें तो निकाय की ऊर्जा E=RZ-B2n2। यहां पर Z-B तत्व का प्रभावी परमाणुविक आवेश है तथा B आवरणांक है। तो ये तत्व का प्रभावी परमाणुविक आवेश है और ये जो B है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरणांक है, जबकि N मुख्य क्वांटम संख्या है। चूंकि बी में आंतरिक इलेक्ट्रॉन पर बाह्य इलेक्ट्रॉन का प्रभाव भी निहित है, इसलिए यह प्रभाव बाह्य परिरक्षण प्रभाव भी कहलाता है। अब सोमरफेल्ड तथा वेंजल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो उस अवस्था में यदि हम ऊर्जा निकाले तो ऊर्जा का मान क्या होगा? E = R(Z-B)2(n²) + R(α²)(n⁴) Z-D^4 n / k - 3/4 + R(α²)(n⁴)
होल पावर 6 1 बाई 4 एन क्यूब अपॉन के क्यूब प्लस 3 बाई 4 एन स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 एन बाई के प्लस 5 बाई 8 प्लस आर एल्फा रेस टू 6 अपॉन एन रेस टू 8 जेड माइनस डी होल पावर 8 और ये पूरा ब्रैकेट में आए। तो निकाय की ऊर्जा ये थी। और सोमरफील्ड तथा वेंजल ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो उस अवस्था में ऊर्जा का मान हमारा ये होता है। अब ऊर्जा का ये मान अभी हमने निकाला है चूंकि डी, ये जो डी है ये अन्य आवरणांक है तो हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरणांक एक बी था और दूसरा हमको यहां पर डी और मिल गया है। चूंकि डी अन्य आवरणांक है जो चक्रण तथा कोश एवं अपेक्षिकता के मध्य परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है, जबकि आवरणांक बी विचारणीय बाह्य तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो बी तथा डी के कारण ऊर्जा स्तर अपनी वास्तविक स्थिति से प्रतिस्थापित हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए जो हमारा एक ऊर्जा स्तर था वो अन्य उप ऊर्जा स्तर में विपाटित हो जाता था या स्प्लिट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अवशोषण एक्सकिरण स्पेक्ट्रम। जब सतत एक्सकिरण पुंज किसी पदार्थ से गुजरता है तथा पारगमित पुंज को एक्सकिरण स्पेक्ट्रोग्राफ में भेजा जाता है तो उस पदार्थ का अवशोषण एक्सकिरण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहां पर ये अवशोषक पदार्थ है, ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। यहां पर एक्सकिरण आपतित हो रही है इस पदार्थ पर। सो आपतित एक्सकिरण है जिसकी तीव्रता आई जीरो है, तो ये एक्सकिरण इस अवशोषक पदार्थ पर गिरती है और यहां से जो एक्सकिरण बाहर निकलेगी उसको अगर हम देखें तो हमारी पारगमित एक्सकिरण है जिसकी तीव्रता आई है। तो यदि आई आपतित एक्सकिरण की तीव्रता हो तो पारगमित एक्सकिरण पुंज की तीव्रता माइनस डी आई इक्वल टू म्यू आई डी एक्स। तो यहां पर ये जो आई जीरो है ये आपतित एक्सकिरण की अधिकतम तीव्रता है और पारगमित एक्सकिरण की तीव्रता हम आई मान रहे हैं। अब अगर हम पारगमित एक्सकिरण की तीव्रता निकालें तो चूंकि अवशोषक पदार्थ इसकी तीव्रता में कमी करेगा, कुछ एक्सकिरण की तीव्रता इस अवशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाती है तो पारगमित एक्सकिरण की तीव्रता माइनस डी आई इक्वल टू म्यू आई डी एक्स। यहां म्यू रेखीय अवशोषण गुणांक है जो इस पदार्थ पर निर्भर करेगा और dx जो है ये इस पदार्थ की मोटाई है जिसमें से आपकी आपतित एक्सकिरण गुजरती है। सो माइनस डी आई इक्वल टू म्यू आई डी एक्स और यहां से इस i को आप नीचे ले लो और इस माइनस को आप इधर ले जाओ। सो डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस म्यू डी एक्स। अब हम इस समीकरण का समाकलन करते हैं। जब x का मान जीरो है तो x की तीव्रता अधिकतम होगी जो i जीरो होगी और अवशोषक पदार्थ की x मोटाई पार करने के पश्चात x की तीव्रता हम i मान लेते हैं। सो इंटीग्रेशन i नॉट टू i डी आई अपॉन i इक्वल टू माइनस म्यू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स डी एक्स। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है तो यहां पर आ जाएगा लॉग आई लिमिट आई जीरो टू आई इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। सो लिमिट भी लगा देते हैं। सो लॉग आई माइनस लॉग आई जीरो इक्वल टू माइनस म्यू एक्स।
सो इसका समाकलन लॉग आई और लिमिट आई जीरो टू आई थी, इसलिए ये हो गया लॉग आई माइनस लॉग आई जीरो इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। अब लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, सी हो जाएगा लॉग आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। एंड इस नेचुरल लॉग को हटाने के लिए हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं या e की पावर ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो i अपॉन आई जीरो इक्वल टू ई रेज टू माइनस म्यू एक्स, और यहां से हमको मिलेगा i इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस म्यू एक्स। तो x मोटाई अवशोषक पदार्थ की पार करने के पश्चात जो पारगमित एक्शन की तीव्रता होगी वो आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स होगी। तो यहां से स्पष्ट है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है i का मान घटता है। तो अगर आप ग्राफ लोगे तो हमको ग्राफ इस प्रकार मिलेगा, और ये एक्सपोनेंशियल डी के ये चर घातांक की क्षय को दर्शाता है। अब लॉग आई अपॉन आई जीरो इक्वल टू माइनस म्यू एक्स था, सो अगर हम इसका उल्टा करें तो लॉग आई जीरो अपॉन आई आ जाएगा म्यू एक्स। और यहां से अगर हम म्यू का मान निकालें तो म्यू आ जाएगा लॉग आई जीरो अपॉन आई अपॉन एक्स। अब आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस म्यू एक्स था, और म्यू का मान लॉग आई जीरो अपॉन आई होल अपॉन एक्स है। तो यदि रो अवशोषक पदार्थ का घनत्व हो तो म्यू अपॉन रो को हम द्रव्यमान अवशोषण गुणांक कहते हैं, क्योंकि म्यू अपॉन रो परमाणु द्रव्यमान के साथ बढ़ता है, इसलिए एक्स किरण से कार्य करने वाले व्यक्ति प्राय अपने आप को बचाने के लिए शीशे से बनी चद्दर का प्रयोग करते हैं। तो जो भी एक्स किरण के साथ काम करता है तो वो अपने चारों तरफ एक लेड का कवर लगा देता है या शीशे की बनी चद्दर का प्रयोग करता है, जिससे कि एक्स किरण उसके शरीर में से पार नहीं हो और उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचे या उसके शरीर पर कोई भी डिजीज नहीं हो। तो जो भी एक्स किरण के साथ कार्य करता है वो शीशे से बनी चद्दर का प्रयोग करता है। यदि एन ए अवोगाद्रो संख्या हो, एम पदार्थ का परमाणु भार हो, तो परमाणुविक अवशोषण गुणांक म्यू ए इक्वल टू म्यू बाई रो होल अपॉन एन ए अपॉन एम। और यहां पर इसको आप उल्टा करके ऊपर ले जाओ, सो म्यू अपॉन रो इंटू एम अपॉन एन ए, ये हमारा म्यू ए का मान आ गया है। स्पष्ट है कि द्रव्यमान अवशोषण गुणांक म्यू अपॉन रो के दो भाग होते हैं, और वो भाग कौन कौन से हैं? द्रव्यमान प्रकीर्णन गुणांक सिग्मा बाई रो तथा प्रतिदीप्ति परिवर्तन गुणांक टी अपॉन रो। तो द्रव्यमान अवशोषण गुणांक म्यू अपॉन रो के दो भाग हैं, एक द्रव्यमान प्रकीर्णन गुणांक है जिसे सिग्मा बाई रो से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा प्रतिदीप्ति परिवर्तन गुणांक है जिसे हम टी अपॉन रो से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा बाई रो प्लस टी अपॉन रो, तथा सिग्मा बाई रो का मान टी बाई रो की तुलना में अत्यंत कम होता है, यह द्रव्यमान परिवर्तन गुणांक का मान प्रतिदीप्ति परिवर्तन गुणांक की तुलना में अत्यंत कम होता है। अब म्यू अपॉन रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड रेज टू 4 होता है, तथा म्यू बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्यूब। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को मिलाएं, सो म्यू बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड रेज टू 4 इंटू लैम्डा क्यूब। सो म्यू बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड रेज टू 4 लैम्डा क्यूब। और अगर मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊं तो इक्वल टू और एक नियतांक आएगा,
तो म्यू बाय रो इक्वल टू सी जेड रेस टू 4 इंटू लेमडा क्यूब। अब ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, अगर हम म्यू अपॉन रो और लेमडा के मध्य ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो लेमडा के साथ म्यू बाय रो का मान बढ़ता है, एक विशेष मान पर जो कि लेमडा इक्वल टू लेमडा के है वहां पर ये एकदम कम हो जाता है, फिर वापस बढ़ता है, और वापस एक विशेष मान पर एकदम कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार हमें ग्राफ प्राप्त होता है। तो म्यू अपॉन रो का मान लैम्डा के साथ एक विशेष मान तक बढ़ता है, फिर एक विशेष मान पर अर्थात लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के पर यह घटता है एवं पुनः बढ़ता है। तो पहले बढ़ रहा है, एक विशेष मान पर घट जाता है, फिर बढ़ता है। तथा जब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल हो जाता है, अर्थात इस मान की हम बात कर रहे हैं, तो जब लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल हो जाता है तो यह पुनः घटता है, तथा यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। तो पहले लैम्डा के साथ म्यू बाय रो बढ़ रहा है, एक विशेष मान पर एकदम कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, तो यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। यदि लैम्डा का मान लैम्डा के से थोड़ा कम हो, तो लैम्डा के हमारा ये है, तो अगर इसे थोड़ा सा भी कम हो, अर्थात लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के माइनस डेल्टा लैम्डा हो, तो एक्स किरण में के कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो यहां पर अगर लैम्डा का मान लैम्डा के से थोड़ा सा कम है, तो आप इस पॉइंट तक हो, तो उस अवस्था में एक्स किरण में के कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, और यदि लैम्डा का मान लैम्डा एल से थोड़ा सा कम हो, तो उस अवस्था में एक्स किरण में एल कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। यदि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के प्लस डेल्टा लैम्डा हो, तो एक्स किरण फोटोन के कोश से उत्सर्जित नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के प्लस डेल्टा लैम्डा होगा तो आप यहां पर कहीं हो, तो वापस एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा बहुत कम होगी, तो वो के कोश से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाता है, या के कोश से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाता है। इस प्रकार लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के पर अवशोषण गुणांक अचानक घटता है, तथा यह अवशोषण कोर कहलाती है। अगली अवशोषण कोर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल पर तथा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर, इसी प्रकार आगे भी हमको अवशोषण कोर प्राप्त होती हैं। तो यहां पर हम आज का यह टॉपिक हमारा समाप्त करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्ट इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो गुड बाय।